नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं आज फिर उसी टाउनशिप पे खड़ा हूँ जिसके बारे में मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले भी। नाम है होमलैंड केशवम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, रॉकेट की तरह भाग रहा है और रॉकेट की तरह ही हो रहा है इसमें डेवलपमेंट। हर प्लॉट पर मार्किंग हो चुकी है। आज इसका मतलब कैंप है जिसमें पट्टे निकलेंगे, लगभग जिन्होंने बुक करवाए थे उनके पट्टे भी निकल चुके हैं और बाकी इसमें लगभग अभी 20-1% हमारे पास यूनिट बचे हुए हैं। अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो 40 फीट रोड है। मेरे पीछे जो रोड देख पा रहे हैं ना, वो 100 फीट रोड जा रही है। उसी 100 फीट रोड से 40 फीट रोड आ रही है और इसी 40 फीट रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। इस 40 फीट रोड पर हमारे पास कुछ 10 या 15 यूनिट बचे हुए हैं 40 फीट रोड पर। बाकी पार्क फेसिंग प्लॉट भी है, कॉर्नर प्लॉट में 1-2 यूनिट बचे हुए हैं और बाकी 30 फीट रोड पे हैं। छोटे प्लॉट में भी हमारे पास ज़्यादा यूनिट नहीं है, 111 गज के 4 या 5 यूनिट हैं। बाकी लगभग आपको 150 गज या फिर 138 गज इस साइज़ में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। बड़े साइज़ के भी प्लॉट हमारे पास बचे हुए हैं इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेटें, पिछली बार जो मैंने रेट बताई थी और इस बार फिर रेट बढ़ गई है। 25 तारीख को एक हाईटी है, हो सकता है अगली बार फिर रेट बढ़ जाए, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से बुकिंग हो रही है उस हिसाब से रेटें बढ़नी कंफर्म है। मैं आपको एक बार रेट फिर से रिवाइज़ करवा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी रेटें स्टार्टिंग में जब हमने इसे लॉन्च किया था, लॉन्च करने से पहले इसकी रेट थी 23,900, उसके बाद रेजिडेंशियल की 2,000 रुपये बढ़ाई, 25,900 है अभी करंटली जो रेट चल रही है वो 25,900 है, और कमर्शियल की रेट हो गई है 40,900। हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया था जब स्टार्टिंग में प्री लॉन्चिंग में इसकी रेट थी 35,900। जिन लोगों ने 35,900 में लिया वो आप जानते हैं कितने फ़ायदे में, और अभी इसकी करंटली जो रेट है 40,900 है, जिसमें मेरे पास शायद 1 या 2 यूनिट है या है भी नहीं, क्योंकि आज की इन्वेंट्री मैंने अभी तक देखी नहीं है। तो हो सकता है कि सोल्ड हो गए हो, क्योंकि कल एक कमर्शियल प्लॉट बुक हुआ, तो मेरे हिसाब से अभी 1 यूनिट है। बाकी जिसको कमर्शियल प्लॉट पे चाहिए, 110 गज का कमर्शियल प्लॉट है हमारे पास और वो भी 100 फीट रोड पे। हमारे पास जो भी इसमें कमर्शियल प्लॉट है वो सारे 100 फीट रोड पे ही है। जो कमर्शियल प्लॉट देख रहे हैं 100 फीट रोड पे, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो मतलब लग्जरी एमिनिटी वाली टाउनशिप के अंदर अपना फ्यूचर का कोई प्लॉट प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट चांस होगा ये, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई टाउनशिप दूसरी आने वाली है अजमेर रोड के आसपास। जैसा कि अब मैं इसके क्या बताऊँ आपको, हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसके बारे में, इसमें जो जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नॉर्मल टाउनशिप में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है ना, गेटेड टाउनशिप में क्या मिलता है, बिजली, पानी, सीवरेज और रोड, पार्क वगैरह, ये सब मिलता है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। गेटेड होती है, सिक्योरिटी गार्ड वो सब में होते हैं, आजकल कॉमन हो गया जयपुर में। हर ग्रुप जो गेटेड टाउनशिप में ही डील कर रहा है। अब हमारे पास इस टाउनशिप में हम जो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो हम जो आपको फ्लैट में लोग क्यों जाते हैं लग्जरी अमेनिटीज़ के लिए या सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी तो हम यहाँ दे रहे हैं ठीक है, प्लस इसमें बात आती है लग्जरी अमेनिटीज़ की, तो लग्जरी अमेनिटीज़ जो हैं वो भी हम इसमें दे रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हर वीडियो मैंने बताया, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इसमें हम स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और किड्स प्ले एरिया, 4 बड़े पार्क होने वाले, लगभग 4 से 5 बीघा के इसमें पार्क होने वाले, 4 बड़े बड़े पार्क। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, इस दीवार के पास ये पूरा लंबा पार्क है, एल शेप में पूरा लंबा पार्क है ये, और इसी पार्क के अंदर बनेगा अपना, इसी पार्क के पास में बनेगा अपना क्लब हाउस। और क्लब हाउस की इमेज मैं एक बार लगा दूंगा, या साइड में क्लब हाउस की इमेज भी लगा दूंगा। स्विमिंग पूल भी इसमें बनेगा। और जो ये 100 फीट रोड है ना, इस 100 फीट रोड के बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है जिसमें प्लांटेशन किया हुआ है, उसके अंदर हमने एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया है जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसकी जो गेट है ना, वो इतना शानदार गेट बनाया गया है, मैं आपको साइड में एक इमेज लगा दूंगा, उसमें आप देखिएगा इतना शानदार इसका एंट्री गेट होने वाला है मेन 100 फीट रोड से। ये जो कॉलोनी के अंदर है वो 100 फीट रोड तो है ही, वो तो कॉलोनी के अंदर से निकल रही है। बाकी जो महापुरा वाली जो 100 फीट रोड है ना, जो अजमेर रोड से अपन कंचन केसरी के सामने से जो टर्न लेके महापुरा होते हुए अपन महिंद्रा सेज की तरफ जाते हैं, तो महापुरा को क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे निकलते ही मेन रोड से अपनी टाउनशिप स्टार्ट होती है। जो महापुरा वाली जिस रोड पर चलते हैं वो महापुरा गाँव तक 200 फीट है, आगे जाके वो 100 फीट हो जाती है, और उसी 100 फीट से 100 फीट और निकल रही है, वो हमारी टाउनशिप के अंदर से निकल रही है। और ये एक ही नहीं, एक 80 फीट रोड और सेक्टर रोड, वो भी हमारी इसी टाउनशिप के अंदर से निकल रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि अजमेर रोड पे जो रेटें हैं ना वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और ये बढ़ेंगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो लोग
फ्लैट या प्लॉट देख रहे हैं उनको पता है कि यहाँ आसपास आपको 2 BHK फ्लैट लगभग मेरे हिसाब से 40 या 45 लाख का मिलता है। तो उसके अंदर अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हैं ना, अभी करंटली अगर आप प्लॉट लेते हैं लगभग 50 लाख के अंदर, तो आपका 3 BHK विला बनकर रेडी हो जाता है, वो भी आपका 1000 स्क्वायर फीट में। 1000 स्क्वायर फीट का ही आपको फ्लैट मिल रहा होगा, 1000 से 1200 मिल जाता होगा, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है 2 BHK यहाँ कितने स्क्वायर फीट में आपको देते हैं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि लगभग 40 से 45 लाख की रेट है जो आसपास चल रही है। फ्लैट की बता रहा हूँ मैं आपको, प्लॉट की नहीं बता रहा हूँ। और बाकी किसी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मेरे फ्लैश हो रहे हैं नीचे, उन पर कॉल कीजिए। और लोकेशन के लिए मैं आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लोकेशन भी भेज दूंगा। इसके जो वीडियोस विजुअल्स हैं, वैसे तो मैं अभी बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट के अंदर इसी वीडियो में लास्ट के अंदर आपको इस टाउनशिप का जो ड्रोन व्यू है, अभी करंटली का तो नहीं है, थोड़ा इसको लॉन्च किया था उस दिन का है, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये टाउनशिप किस तरह की है और किस तरह की होने वाली है। जो कुछ दिन बाद मैं एक सूट और दूंगा आपको, जब तक ये डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद एक ड्रोन सूट और डालूंगा, उसमें आपको पूरा डेवलपमेंट होने के बाद दिखाऊंगा। फिर देखिएगा ये जो इस टाउनशिप का जो फील है, जिस जो भी कस्टमर जो लेना चाहता है और जो यहाँ आए हैं विजिट करने के लिए, मना किसी ने नहीं किया, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। हमारी डिटेल्स जो होती हैं वो तो मैंने सब आपको बता दी है, बाकी आप अगर यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, एक बार कॉल कीजिए, विज़िट कीजिए, लेना या नहीं लेना वो बाद की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे सोल्ड होने के बाद आएँ फिर आप बोले कि सर मेरे को एक प्लॉट दिलवा दो, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और देखो रेटें बढ़ने के चांसेस अभी भी हैं, बढ़ सकती हैं, तो रेट बढ़ने से पहले अपने 2-3 लाख का नुकसान ना करें, मेरा कहना यही है। और बाकी किसी जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।